हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने, आज हम बचे हुए चावलों से एक नई रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 शिमला मिर्च लिए, 1 टमाटर लिया और 6 प्याज लिया। आप अपने हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं, जितनी भी आपको डालनी है। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से काट लिया है, आप अपने हिसाब से काट सकते हो, जैसे भी आपको काटनी है सब्जियाँ। यहाँ हमने कढ़ाई ली और गैस को कर दिया ऑन। 2 चम्मच हम यहाँ डालेंगे देसी घी, आप ऑयल भी डाल सकते हो। घी को हमने थोड़ा गर्म करना है। अब हम कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। और हमने पलटे से इनको हिलाना है। अब हम 5 मिनट के लिए इन सब्जियों को पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार मसाले डालेंगे। 1 चम्मच में नमक डाल दिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च है और 1/2 चम्मच ही हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है। तो अब हम सबसे पहले हल्दी को डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं नमक। अब हम डाल रहे हैं लाल मिर्च। अब हम डाल देंगे मसाला। अब हमने मसाले को अच्छे से सब्जी के अंदर मिक्स कर लेना। अब हमारे पास एक बड़ा कटोरा ये बचे हुए चावल थे, तो हम चावल को भी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और अच्छे से हमने मसाले के अंदर चावल को मिक्स कर लेंगे कि जो भी मसाले थे चावल के अंदर अच्छे से हम रख लेंगे, एक अच्छे से एक बन जाए हर एक चावल के मसाले का। तो चावल में मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। हमने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया। ये बचे हुए चावलों की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आप मुझे ढेर सारा प्यार दें इस चैनल पर, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में